आई, आपका लालच इतना बढ़ गया कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी, और वो भी अपनी भतीजी की। आई, मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो हम सब भाई बहन कितने करीब थे। आप बड़ों के झगड़ों में हम बस पिस कर रह गए। उस झगड़े के बाद ना तो मैं अपने मामा को देख पाया, ना ही अपनी मामी और अपनी बहन से मिल पाया। इतने सालों तक इन सब को याद करता रहा। कई बार सोचा इन सब से आकर के मिल लूं, लेकिन आपकी दी हुई कसम को तोड़ नहीं पाया। आई, देखिए आपका लालच आपको कहां ले आया। अरे, सबकी नजरें आप पर हैं। साई ने ठीक ही कहा था, मुझे आपको अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था। अरे, आपकी गाय नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अभी के अभी सब कुछ आपको लौटाता हूं, सब कुछ आप रख लीजिए। हम लोग खुद ही अपना गांव छोड़ करके चले जाएंगे, और इतनी दूर चला जाऊंगा कि कोई ना जान सके कि मैं किसका बेटा हूं और आप किसकी मां हैं। क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि लोग हमारे अजन्मे बच्चे को यह श्राप दें कि उसकी दादी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करती है। बस। और नहीं सुन सकती हूं, मैं नहीं सुन सकती हूं कि मुझसे क्या हो गया। साई, कैसा पाप कर दिया मैंने। मुझे लगता था कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने आप को इतना सख्त बना लिया कि कब इंसान में से राक्षस बन गई, इस बात का पता ही नहीं चला। अपने जिपरी को बचा लिया, परशुराम को उसके किए की सजा दी। बताइए मुझे, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। उठिए आप। मुझे माफ कर दो साई, से बहुत बड़ी गलती हो गई। साई, इस पाप के प्रायश्चित का रास्ता दिखा दो मुझे। रास्ता दिखा दो। आपको माफी मुझसे नहीं बल्कि लक्ष्मी और उसकी मां से मांगनी चाहिए। विश्वासघात किया है आपने इनके साथ, और यह गुनाह इतना बड़ा है ये बहुत दिनों तक आपको माफ नहीं कर पाएंगे। जब तक ये लोग आपको दिल से माफ ना कर दें, तब तक आप दोनों को यहां इनके पास शिरडी में ही रहना चाहिए। अब चाहे आप इसे सजा समझ लें या प्रायश्चित, ऐसा करने से तुम्हें भी अपनी मां के साथ रिश्ते सुधारने का मौका मिलेगा, और छोटी बहन के साथ भी थोड़ा समय बिता पाओगे तुम। अल्लाह मालिक।
तुम यहाँ इस बाली के लिए ही आए हो ना? नहीं साई, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने इसे पाने लायक कोई काम नहीं किया है। अभी ये बाली नहीं चाहिए मुझे साई। तुम इस बाली को पाने के अधिकारी हो या नहीं, ये फैसला इस बाली को ही करने दो। जाओ ले लो। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ शादी में सब कुछ देखने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत था, मेरी सोच कितनी घटिया थी। अब मुझे इस बाली की जरूरत नहीं है साई। क्या मैं ये बालियां झिपरी को दे दूं? क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत अन्याय किया था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है अपने किए पर, इसीलिए तो ये बाली किसी और को देना चाहते हो, और तुम्हारी गलती का ये एहसास, ये पछतावा ही तुम्हें इस बाली के योग्य बनाता है। इसे अपनी बहन को देना। साई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे जो चाहिए होगा मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा। चलता हूं साईं। राम जी भला करें। बस बस इधर ही रुको। हरिओम। सेठ परशुराम जैसे सम्मानित व्यक्ति को तुम लोगों ने अपमानित किया?
बताइए परशुराम जी, इन लोगों ने आपके साथ क्या किया? धोखा दिया है, अपमानित किया है मुझे इस परिवार ने। अपनी इस लड़की से शादी कराने का झांसा देकर मूर्ख बनाया मुझे। अपना दुखड़ा सुनाकर इन्होंने शादी से पहले ही मुझसे कपड़े, गहने और पैसे ऐड लिए और जब मैं शादी के मंडप में जाकर बैठा तो इनका नाटक शुरू हो गया। शादी करने से इनकार कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की है मेरी। हालांकि गहने तो मैंने वापस ले लिए, लेकिन शादी की तैयारी में मेरे पूरे 200 रुपए खर्च हुए हैं, वो तो डूब गए इनके कारण। इसलिए मेरी मांग है कि मुआवजे के रूप में मुझे 300 रुपए दिए जाए। या फिर इस लड़की को जीवन भर के लिए मेरी दासी बनाया जाए। मेरी गुलामी करेगी ये लड़की। क्या हुआ साईं, तुम किस उलझन में हो? हमारी लक्ष्मी की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है भाईसमा, क्योंकि सेठ परशुराम जैसे लोग आसानी से हार स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि मात मिलने पर उनकी बौखलाहट उन्हें और भी अधिक क्रूर बना देती है। अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है। अभी अभी तो आपने कहा कि 200 रुपए खर्च हुए, अभी आप 300 मांग रहे हैं। जॉब, क्योंकि बड़े लोगों के मान सम्मान का, उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य होता है। मैं तो कहता हूं कि सेठ परशुराम जी ने आप लोगों की दरिद्रता को देख के बहुत कम मांग की है पैसों की। इनकी जगह कोई और होता तो दुगना तिगना मांगता। ढोंडी, तुम्हारे बाबा ने जो भी आरोप हम पर लगाए हैं, वो सरासर गलत है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, जो भी सच है वो बता दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बता दो सच ने कि सब में इनका कोई दोष नहीं था, सारा दोष मेरा था। बता दो इन्हें कि इन लोगों को मेरे षड्यंत्र के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। तुम्हारी चुप्पी इस लड़की पर, इस परिवार पर भारी पड़ रही है। तुम्हारा मुंह न खोलने के कारण देखो हम सब किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए। अब भी वक्त है, बता दो ढूंढी। मैं बाबा की बात से सहमत हूं। अब मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। तुम लोगों के कारण सेठ परशुराम जी का बहुत समय नष्ट हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें और प्रतीक्षा करनी पड़े, इसलिए तुम लोगों को एक दिन का समय देता हूं मैं। अभी 12 बजे हैं, कल दोपहर 12 बजे तक तुम लोगों को इन्हें 300 रुपए लाकर देने होंगे, और अगर नहीं दिए तो सेठ परशुराम जी के साथ झीपरी को जाना होगा दासी बनके। हरिओम। शांत हो जाओ सुमित्रा। कैसे शांत हो जाओ भाईजा का, सुबह से रात हो गई है पर अभी तक कोई उपाय नहीं निकला। क्या करूं मैं? हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।
ठीक ही होगा सब। हाँ कैसे सब ठीक होगा भाई साहब का, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो 10 रुपए जुटा पाऊंगी, 300 रुपए का तो मैं सोच भी नहीं सकती। क्या करूँ, कैसे होगा सब। इसे रख लो सुमित्रा, इसमें कुछ पैसे और गहने हैं। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है सुमित्रा। ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। ये छिपरी की जिंदगी का सवाल है, तुम मुझे माफ मत करना, बस मत करना मुझे माफ, लेकिन इस वक्त इसे रख लो। नहीं चाहिए आपके पैसे और गहने, और मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्रहलाद, मैं जानती हूं जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम अगर सच में मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो मेरी एक मदद कर दो, अपनी आई को लेकर हमेशा के लिए यहां से चले जाओ। क्योंकि मैं जब जब इन्हें देखूंगी मुझे याद आएगा कि मैंने किस तरह जिप्री को शादी के लिए मजबूर किया। मैं इनके कहने पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ सुमित्रा, ले लो इन गहनों को। आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए, छोड़ दीजिए हमें अकेला, अकेला छोड़ दीजिए। गांव में लगभग सभी लोगों से बात की मैंने, आसपास के गांव में भी सब जगह पूछताछ की, पर इतने कम समय में 24 घंटे के अंदर कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। और जो कर्जा देने के लिए तैयार हुए वो मेरी हड़बड़ाहट को देखकर, मेरी तत्काल जरूरत को देखकर मुझ पर संदेह करने लगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। और वो लोग ऋण देने से पहले कागजात की जांच करना चाहते तभी पैसे देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि शिरडी का पाटिल हूं मैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन जिन्हें आप जानते हैं उन लोगों का क्या? अब क्या होगा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.